कंगना रनौत ने एक बार फिर तंज कसा उद्धव ठाकरे और संजय राउत पर। उन्होंने कहा कि हमारा शहर हिमाचल, यहाँ पर बहुत सारे लोग काम करने के लिए आते हैं, लेकिन उन लोगों को हम गाली नहीं देते हैं, नमक हराम नहीं कहते हैं। जाहिर सी बात है, कंगना रनौत ने ये बात उद्धव ठाकरे और संजय राउत को याद दिलाने के लिए कही है कि किस तरह से कंगना रनौत, जो कि मुंबई में काम करके मुंबई के बारे में पीओके बोला उन्होंने, तो उन्हें इस तरह से गालियां दी गई। हालांकि कंगना का कहना है कि उन्होंने मुंबई को गाली नहीं दी, मुंबई तो उनकी कर्मभूमि है, यहीं से उन्हें नाम और काम मिला है, लेकिन उन्होंने ये जो आवाज़ उठाई है वहाँ के सिस्टम के लिए उठाई है, जो वो हमेशा करती रहेगी। आज कंगना रनौत ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने फोटो शेयर की है कि अपनी अगली फिल्म की शूटिंग के लिए सैफ अली खान, जैकलीन फर्नांडिस, यामी गौतम और अर्जुन कपूर सभी डल हाउस ही जा रहे हैं अपनी आने वाली फिल्म की शूटिंग के लिए। इन्हीं की पिक्चर और न्यूज को शेयर करते हुए कंगना रनौत ने कहा है, हिमाचल में इन दिनों मुंबई की काफी सारी फिल्म की शूटिंग चल रही है। हमारी ये देवभूमि सबके लिए है, हमारी ये देवभूमि हर एक हिंदुस्तानी के लिए है। जो कोई भी यहाँ पर काम करके पैसा कमाएगा उसे हम गाली नहीं देंगे, नमक हराम नहीं कहेंगे, और अगर किसी ने ऐसा किया भी तो उसके खिलाफ मैं आवाज उठाऊंगी, हमारे बॉलीवुड की तरह चुप नहीं बैठूंगी। आपको बता दें कि कुछ ही दिनों पहले उद्धव ठाकरे ने भी अपने दशहरा वाले भाषण में किस तरह से कंगना का नाम लिए बगैर ये कहा कि कुछ लोग हैं जो यहीं से कमाते हैं और यहीं की बुराई करते हैं, नमक हराम कहा गया। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल में सबसे ज्यादा गांजा उगता है। इस बात का भी जवाब कंगना ने तभी उद्धव ठाकरे को दे दिया था, और आज एक बार फिर से कंगना के इस ट्वीट ने संजय राउत और उद्धव ठाकरे को ये समझाने की कोशिश की है कि हिमाचल में भी फिल्मों की शूटिंग चल रही है और यहाँ पर जो लोग मुंबई से काम करने आते हैं हम उनको गाली नहीं देते हैं। इस वक्त कंगना के ऊपर दो केसेस चल रहे हैं मुंबई पुलिस के, अंधेरी और बांद्रा, दोनों जगह पर कंगना के खिलाफ कंप्लेन की गई, जिसके तहत दोनों ही कोर्ट्स ने ऑर्डर किया कि कंगना और रंगोली के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए। कंगना को समन भी किया गया था, लेकिन उनकी फैमिली में उनके भाई की शादी है, इसलिए कंगना ने कहा वो 15 नवंबर के बाद ही अवेलेबल है।